देखिए बहमनी फॉल्ट की खूबसूरती, प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ आया डैम, अपर डैम का खूबसूरती देख, ये देखिए लोअर डैम भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। नमस्ते इंडिया, आप लोगों का अयोध्या हिल से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग अभी बहमनी फॉल में है। देखिए बहमनी फॉल बहुत ज़्यादा हाइट पे है और इसकी खूबसूरती देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। देखिए अभी अगस्त का महीना है लेकिन यहाँ पे पानी कम है, बरसात का मौसम रहे और अच्छी बारिश हो तो यहाँ पे पूरा कलाबाला पानी भर जाएगा। देखिए हम लोग फॉल में ऊपर चढ़े हुए हैं, देखिए इधर भी लोग चढ़ते हैं इस ओर, और नीचे में देखिए, नीचे में लोग मस्ती कर रहे हैं, इधर भी मस्ती कर रहे हैं। ऊपर का भी नज़ारा बहुत सुंदर है, नीचे का भी, और सामने में झील है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहमनी फॉल की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहुत सारे लोग भी आए हैं, पश्चिम बंगाल के हैं सारे के सारे। और इस ओर देखिए बहुत अच्छा घाटी है, बहुत अच्छा वैली है, सामने में डैम भी है वो भी देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत डैम भी ऊपर से दिखाई दे रही है। फॉल कैसा लगा तुमको? वाओ क्या वैली है, नज़ारा देखिए रोड का। देखिए ताने में बहुत छोटी सी खूबसूरत फॉल है, इस फॉल का नाम है तुरंग फॉल, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, लेकिन वास्तव में बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देखिए सामने से है ना खूबसूरत। कितना कितना प्राइस है? 50 या 20। अच्छा बहुत सुंदर है। देखिए दुर्गा फॉल लिखा हुआ है, और देखिए इधर का नज़ारा देखिए, आगे में भी एक डैम दिखाई दे रहा है आपको, और देखिए नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आए हैं, बाइकर्स भी हैं और कुछ दुकानें भी यहाँ पे। ये देखिए और एक पॉइंट में पहुंच गए हैं, ये है मार्बल लेक। यहाँ भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जब आए थे उस समय 10-15 गाड़ी थी, कारें थी, बाइक थे। क्या लेक है, पहले यहाँ से लोग पत्थर निकालते थे और जब पत्थर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे पानी डिल गया और एक लेक बन गया, जिसको हम लोग गाँव देहात की भाषा में इसको खदान बोलते हैं। और यही है मार्बल लेक, देखिए यहाँ पर फेंसिंग किया गया है, और इस साइड उतना खास नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें लगाई गई हैं, यहाँ पे लकड़ी का सामान मिलता है। देखिए यहाँ पे हिरन उरन भी है, और ये घास का बनाया हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा लकड़ी का बनाया हुआ है। दुर्गा माता का मूर्ति भी है वहाँ पे, इधर भी कुछ दुकानें हैं, चाय की स्टॉल भी है यहाँ पे, और इस ओर भी कुछ दुकानें हैं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ सामान लेके जाइए यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है आपका सामान वामान, पूरा कल्चर से रिलेटेड है, संथाली कल्चर से रिलेटेड है। देखिए संथालियों का घर बहुत ही खूबसूरत है, ये लोग का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। नीचे में ये लोग रेड रखते हैं और ऊपर में वाइट, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे बास्की होम स्टे है, यहाँ पे 800 रुपये पर रूम मिल जाती है, और यहाँ पे होटल भी है और दुकान भी है। चलते हैं थोड़ी सी दूर। ये
या मुरुंगुमा डैम बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने देखिए नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ यह डैम बहुत ही खूबसूरत है। मुरुंगुमा डैम अयोध्या हिल और झालदा रोड में है, जो अयोध्या हिल से लगभग 18 किलोमीटर पड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक जंक्शन में हैं और यहाँ पे अपर डैम 1 किलोमीटर है और लोअर डैम 6 किलोमीटर है, जो इस रोड पे है। देखिए रेड कार जा रही है और यहाँ पे बहमनी फॉल 4 किलोमीटर है, जो इस रोड में जाती है सीधे, और यहाँ से सीधे यहाँ पे हिल टॉप 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहाँ पे आपको लॉज होटल सारे कुछ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे अपर डैम का खूबसूरती देखिए, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस ओर देखिए जंगल है, पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत है। और इस ओर देखिए कुआं बनाया हुआ है और ये रोड हम जाते हैं सीधे अयोध्या हिल की ओर। और इधर भी देखिए जंगल ही हैं और ये ओर सीधे फाटक है, इधर से जाती है पानी। और ये रोड जाती है सीधे लोअर डैम के लिए और सीधे आगे जाने पे आपको बागमुड्डी मिल जाएगी, जो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और लोअर डैम यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। देखिए डैम इस ओर से भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और देखिए ये रोड है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं। देखिए भरी पड़ी है पूरे की पूरे रोड, और ये रोड सीधे जाती है बागमुंडी की ओर। और देखिए इधर भी बहुत खूबसूरत है, जंगल दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इधर देखिए खेत है, गाँव है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ विजिट करने अवश्य आइए अयोध्या। ये देखिए लोअर डैम भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और इस ओर बांध बांधा गया है देखिए, और वहाँ तक फैला हुआ है उस ओर। और आगे में उधर बहमनी फॉल है, जो वहाँ से भी दिखाई दे रहा था। यही डैम बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था उधर से भी। और देखिए यहाँ पे विद्युत थर्मल पावर है, यहाँ पे बिजली सप्लाई होती है, और यहाँ तक फैला हुआ है पूरा डैम। देखिए सामने में ये अंतिम छोर है और वो लास्ट छोर है, बहुत ही खूबसूरत है लोअर डैम भी। देखते हैं नीचे भी जाके कैसा है। देखिए सामने में लोअर डैम के बाद इधर और एक डैम है सामने में, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ऊपर से यह डैम देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ऊपर से। और सामने में देखिए यहाँ पे बस डिपो है, यहाँ पे जब भी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे बस को स्टॉप करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद इधर घूमने के लिए आते हैं। और देखिए छोटी सी भी मंदिर है, और आपको इधर सामने जो सिटी दिखाई दे रही है, यह बागमुंडी सिटी है। अयोध्या हिल में हमारा शाम हो चुकी है, लगभग 6:30 बज चुके हैं, और अभी मैं अपर डैम पे ही हूँ। और अयोध्या हिल में घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न है जनवरी फरवरी में, वहाँ पे रश होती है। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं सभी अगल बगल ही हैं, कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, जो एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। और सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है अयोध्या हिल के टॉप में ही आप होम स्टे में रुकिए, होटल में रुकिए या रिजॉर्ट में रुकिए, बहुत सेफ़ है, और आप पूरी तरह से अयोध्या हिल को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक दिन में, वो भी जनवरी या फरवरी में, सबसे ज़्यादा बेस्ट सीज़न है। और अभी तो बस बरसात का मौसम है, अगस्त का महीना है, अभी भी टूरिस्ट भर भर के आते हैं।